वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए दिखाते हैं कि क्या है। वो है लौकी की दाल। लौकी और चने के साथ दाल जो बनाते हैं वो दाल मैं बनाऊंगी। वैसे तो सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, पर आप मेरे तरीके से देखिएगा तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दाल आपको लगेगी, खाने में भी और टेस्ट में भी दोनों में। लौकी आपस में वैसे ही हेल्दी होती है। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कुकर। कुकर में सबसे पहले मैंने चने की दाल जो लिया था, एक कटोरी मैंने चने की दाल ली थी, उसे धुल करके 2 घंटे भिगो दिया था, तो पानी सारा निकाल दिया है। तो वो दाल मैं इस कुकर में डाल दे रही हूँ। आप जिस कटोरी से दाल बनाते हैं उसी कटोरी से चने की दाल भर के भिगो दीजिए। जिस कटोरी से बनाती हूँ उसी से मैंने भिगोया है, तो भीगने पर थोड़ी सी फूल जाती है। और यहाँ पर मैंने 1/2 किलो लौकी ली थी, तो लौकी भी छील करके धुल करके इसे काट लिया था, तो भी मैं इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें बारीक 2 बड़े टमाटर काट के रखी थी वो मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 चम्मच हींग, 1 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच नमक डालूँगी। नमक जैसे कि मैंने बताया, आप जिस तरह से दाल बनाएं उसी तरह से आप उसके टेस्ट अकॉर्डिंग अपने डालिए नमक, लेकिन मैंने जिसमें जितना दाल लिया था उस हिसाब से मैंने 1.5 चम्मच नमक इसमें डाला है। और ये देखिए, ये लिया है मैंने कटोरी, जिस कटोरी से मैंने दाल भिगोई थी उसी कटोरी से 5 कटोरी पानी ऐड करेंगे। आप जब भी दाल बनाइए तो जिस कटोरी से दाल लीजिए उसी कटोरी से 5 कटोरी पानी ऐड कीजिए, तो आपकी दाल ना पतली होगी ना गाढ़ी होगी, एकदम बिल्कुल परफेक्ट दाल बनेगी। तो आप बना के ज़रूर देखिएगा इतना पानी डाल के। तो मैंने 5 कटोरी पानी ऐड कर दिया और ये जो है इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और कुकर का ढक्कन लगाती हूँ मिक्स करने के बाद। तो इसे जो है गैस ऑन करके रख दे रही हूँ पकने के लिए। ये 2 सीटी तेज आंच पे और 1 सीटी धीमी आंच पे लगाएंगे इसको। चने की दाल है चूँकि थोड़ा टाइम लेती है पकने में, तो हम चेक कर लेंगे, अगर नहीं पकी होगी तो हम इसको बाद में भी पका सकते हैं। तो चलिए इसे देखते रहिए कि हम दाल को कैसे बनाते हैं। तो देखिए मेरी सीटी आ भी गई और गैस भी निकल गई थी, तो मैंने कुकर खोल दिया है। और ये देखिए दाल पक तो गई है अच्छे से, पर मिक्स नहीं हो पाई अच्छे से। तो चलिए इसको फिर से पकाते हैं दाल को। अब इस बार कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे, हाई फ्लेम करेंगे गैस की और उस पर रख देंगे इसको पकने के लिए। इसे खुले हम रख देंगे 4 से 5 मिनट तक। मैंने शुरू में हाई फ्लेम किया था, फिर मीडियम कर दिया ताकि ये धीमी आंच पर थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। तो मैंने 5 मिनट दाल पका ली है। तो चलिए दिखाते हैं कि अब दाल का कलर कैसा आया है। तो आप देख रहे हैं अब दाल मिक्स हो चुकी है, जो अलग पानी अलग और दाल अलग दिख रहा था वो नहीं है, बराबर की थिकनेस आ गई इसमें। तो अब इस दाल को मैं रखती हूँ बगल में और यहाँ पे मैं लेती हूँ फ्राई पैन, जिससे कि दाल को फ्राई करेंगे। तो दाल फ्राई करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे फ्राई पैन और उसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैंने यहाँ पर लिया 1/2 टीस्पून जीरा, 4 से 5 कली लहसुन कटे हुए, और मैंने 1/4 चम्मच हींग डाल दी है इसमें भी फिर से। और यहाँ मैंने 1 बारीक प्याज, बड़ी प्याज थी बारीक काट के रखा था, वो मैं इसमें डालती हूँ। और प्याज को अच्छे से पकाऊंगी, उसका कलर अच्छा आए तब। तो इसे चलाते हुए अच्छे से पका लूँगी प्याज को। प्याज डाल के चलाते रहिए, देखिए तो प्याज का कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो इसमें मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर देती हूँ, ताकि ये भी साथ में इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया से आता है। आपको कई बार मैंने हम हमेशा डालते हैं थोड़ी धनिया पत्ती इस तरह से डाल देते हैं ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आए। तो आप लोग भी इसी तरह से डालिएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि 1/2 टीस्पून लाल पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर,
और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और लास्ट में एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी जो कि जिससे कि दाल हमारी बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। तो आप लोग जब भी देखिए मेरा पूरा वीडियो देखिए तो कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें अलग से दिखेंगी आपको। तो अब मैं इसमें ऐड करती हूँ हाफ टी स्पून चाट मसाला, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। चाट मसाला आप सबसे लास्ट में डालिए जब गैस बंद कर दीजिए तब। तो जैसे कि मैंने गैस बंद कर दिया तो मैंने चाट मसाला ऐड किया है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती फिर से दोबारा डाल दी है, इसका फ्लेवर अलग आता है, इसका अलग आता है। तो आप दोनों तरीके से डाल के बनाइए। इसे इस धनिया को मैं ज़्यादा पकाती नहीं, बस हल्का सा गर्म तेल में मिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल लिया था जो, अब इसमें तड़का डाल देती हूँ। और इसे दो थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि इसका जो जितना फ्लेवर है अंदर ही रह जाए। अब मैं इसे खोलती हूँ, खोल के जो है अच्छे से दाल मिक्स कर दूँगी। तो देखिए हमारी दाल बनके रेडी हो गई, एकदम खाने के लिए तैयार। इसे आप पराठे के साथ, रोटी के साथ या चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी होगी। तो अगर आपको मेरा चने के लौकी के साथ जो है दाल बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया है बटर 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी है। बटर आप सबसे लास्ट में डालकर इसे ढक दीजिए। तो मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।